हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में आप लोग डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ को कैसे वापस ला सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है कुछ फ़ोटोज़ को आप लोगों ने डिलीट कर दिया था और उन डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ को जो है आप लोगों को वापस अपने गैलरी में लाना है, तो कैसे आप लोग उन डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने गैलरी में से उन फ़ोटोज़ को डिलीट किया था तो सबसे पहले तो आप लोगों को गैलरी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एक 3 लाइन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन होगा गाइस, तो इस रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ देखने को मिल रहे हैं गाइस, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे रिस्टोर ऑल का एक ऑप्शन होगा, तो इस रिस्टोर ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो वापस अपने गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने फाइल मैनेजर से फ़ोटोज़ को डिलीट किया था तो फाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ एक 3 डॉट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर भी आप लोगों को डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पर से भी आप लोग सेम उसी तरीके से आप लोग सिलेक्ट करके अपने फ़ोटोज़ को जो है रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर करते ही आपका डिलीट किया हुआ फ़ोटोज़ वापस आ जाएगा फाइल में। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 फ़ोन में डिलीट किए हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।